गुड मॉर्निंग, मैं श्वेता मैम एमएस एकेडमी स्कूल से। यदि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैलेंसी चैप्टर हमारा चल रहा है, ये हमारा वैलेंसी चैप्टर का पार्ट थर्ड है, जिसमें मैं आपको कोऑर्डिनेट वैलेंसी के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट वैलेंसी। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कोऑर्डिनेट वैलेंसी को यूज हम कब करेंगे। यदि हमारा सिचुएशन ऐसा हो कि ऑक्टेट कंप्लीट है, जो शेयरिंग करने वाले हैं ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके बाद भी कुछ एटम हैं जो जुड़ना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में ये कोऑर्डिनेट वैलेंसी का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया SO2। मैं आपको एक एग्जाम्पल SO2 के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको अपने पिछले दोनों वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि कोई भी ये आपको दिया हो, स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले जितने भी इस मॉलिक्यूल्स में आपको एटम दिखाई दे रहे हैं, उन सारे एटम्स को सबसे पहले अलग करिए, सेपरेट करिए। ठीक है ना, तो इसमें हमको सल्फर का एक एटम दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन के दो एटम दिखाई दे रहे हैं, तो पहले इनको अलग करिए। सल्फर का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम, इनको हमने अलग कर लिया। सल्फर के का एटमिक नंबर लिखिए, अब इसका 16, इसका 8 और इसका 8। ठीक है, अगला हमारा काम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एकदम सीरियल से चलेंगे। सबसे पहले इनको सेपरेट करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 एटमिक नंबर लिखेंगे, नंबर 3 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो क्या आएगा इसका 286। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 26। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इन पे तो ध्यान देना नहीं है, हमको केवल अपने वैलेंस सेल से मतलब है। ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंस सेल का हम देखेंगे कंडीशन। अब वैलेंस सेल में हमने देखा कि ये 6 है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ठीक है, तो इन तीनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यानी कि ये कौन है रिसीवर, ये भी कौन है रिसीवर, ये भी कौन है रिसीवर, इसमें एक भी डोनर नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया आपको कि शुरू कहां से करेंगे, सोचना शुरू कहां से करेंगे, इनमें से जो मतलब जो सेंट्रल में हो, जो अकेला है ना, जैसे ये है हमारा 2 ऑक्सीजन है और ये 1 सल्फर है, तो सल्फर अकेला है, तो हम सल्फर से सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सल्फर का एटम बनाइए, ये हमारा सल्फर का एटम, ये रेडी हो गया। सल्फर के एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, 2 चाहिए इसको, तो इसने क्या किया कि सबसे पहले अपना शेयरिंग करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल करके यहां लगा दिया। ठीक है, कि इसको तो मैं 2 का शेयरिंग करूंगा क्योंकि मुझे 2 चाहिए, तो 2 से शेयरिंग कर लूंगा तो मुझे 2 और मिल जाएगा, यानी कि मेरे 8 कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये इसने ये चीज सोच करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहां शेयरिंग में लगा दिया। ठीक है, बचे इसके पास कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 को इसने अपने पास रख लिया। ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रख लिए। अब इसने बोला दूसरे ऑक्सीजन को कि ऑक्सीजन तुम आ जाओ मेरे साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करने के लिए। ये ऑक्सीजन भागे भागे पहुंचता है और ये ऑक्सीजन जो है ये भी क्या करता है कि अपना शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने इसके ठीक सामने शेयरिंग में लगा दिए। ठीक है, बचा इसके पास कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा उसको इसने अपने पास रख लिया। ठीक है, दोनों ही खुश, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है ना, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 2, 6, 2, 8, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों ही खुश हैं। ठीक है ना, ये हो गया मतलब कंप्लीट हो गया इनका, एसओ से ही कंप्लीट हो गया। लेकिन तब ये तीसरा वाला ऑक्सीजन, ये तो एक रह गया था, अब ये ऑक्सीजन पहुंचता है सल्फर के पास जाकर के, ये क्या कहता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास भी पहुंच सकता था, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड न बने। ठीक है ना, इसका भी कारण है जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी। तो ये ऑक्सीजन जो होता है ये पहुंचता है किसके पास, सल्फर के पास पहुंचता है। सल्फर से जाके कहता है कि सल्फर भाई मुझे भी तो ऐड कर लो, मैं तो अकेला रह गया इधर, छूट गया, मुझे भी ऐड करो। अब सल्फर अपने इर्द गिर्द देखता है कि अरे यार क्या करूं, यहां तो 4, 2, 6, 2, 8 ऑक्टेट तो मेरा कंप्लीट हो गया है ना, ऑक्टेट मेरा कंप्लीट है, अब इसको अगर मैं अपने साथ है ना, अब ये सोच रहा है, जो सोच रहा है ना सल्फर, पहले उसको करते हैं। सल्फर कहता है अगर मैं इस ऑक्सीजन को भी यहां पर बुला लेता हूं और इस ऑक्सीजन को भी बोलता हूं कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन यहां शेयरिंग में लगा दो और बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स को तुम अपने पास रख लो, तो इस ऑक्सीजन का काम तो हो जाएगा है ना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट, तो इस ऑक्सीजन का तो काम हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा,
मेरे तो चार चार आठ दो दस, मेरे तो ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो मेरा तो ये स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, मेरा काम पूरा आठ मेरा कंप्लीट था, सिचुएशन मेरा चेंज हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ। तो इस सिचुएशन में अब ये सल्फर कुछ दूसरा आइडिया यूज़ करता है। क्या कहता है ये कहता है कि तुमको अपने साथ, तुमको निराश भी नहीं करना चाहता, तुमको छोड़ना नहीं चाहता, है ना, तुमको चाहता हूँ कि तुम भी जुड़ो मैं हमारे साथ, लेकिन क्या करें। तो ये सल्फर कहता है कि तुम ऐसा करो कि ये जो तुम्हारे दो इलेक्ट्रॉन जो तुम शेयरिंग में लगा रहे हो, उस दो इलेक्ट्रॉन को मेरे पास शेयरिंग में लगाने के बजाय तुम क्या कर लो कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भी तुम अपने पास ही रख लो, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को तुम अपने पास रखो, है ना, और मेरे दो इलेक्ट्रॉन का तुम भी यूज़ करो, मैं भी यूज़ करूँ, ठीक है। मैं तो मेरे इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल तुम भी करो, यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच में शेयरिंग तो हो रही है, लेकिन शेयरिंग के लोन पर इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन केवल मेरी तरफ से तुमको दिए जाएंगे, तुम अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं लगाओगे, ये एक स्पेशल टाइप की शेयरिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना, ये पहले भी बनता था, हमने पहले वीडियो में भी देखा था, ये शेयरिंग बराबर बराबर क्यों हुई है, कौन सा बॉन्ड बना है, ये कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये जो स्पेशल शेयरिंग हुआ, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। अब इसको बॉन्ड से कैसे दिखाएंगे, ये रहा हमारा सल्फर, ठीक है ना, सल्फर ने दो मतलब दो 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 इलेक्ट्रॉन से दस शेयरिंग की, यानी कि डबल बॉन्ड बनाया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। फिर सल्फर ने इस ऑक्सीजन के साथ क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पर इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, सल्फर दे रहा है, जो दे रहा है वो होता है डोनर, और जो ले रहा है वो होता है एक्सेप्टर, ठीक है, ये डोनर ये एक्सेप्टर या रिसीवर, ठीक है। तो जो डोनर है, डोनर की तरफ से एरो चलेगा और एक्सेप्टर की तरफ एरो जाएगा, डोनर की तरफ से एरो चला और एक्सेप्टर की तरफ आया, ठीक है ना। तो ये डोनर की तरफ टेल रहेगा और हेड किसकी तरफ रहेगा, एक्सेप्टर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना हमारा, है ना, जिस बॉन्ड को हम एरो के थ्रू दिखा रहे हैं, ये बॉन्ड क्या कहलाता है हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसके बावजूद कोई दूसरा एटम रहे जुड़ने के लिए और उसको इनको जोड़ना पड़े, तो इस सिचुएशन में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके पास हम देखेंगे, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक बच गया है, ठीक है ना। तो यहाँ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चुकी है, इस वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा, ये इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर, ठीक है। ये बॉन्ड बेंड क्यों हो रहा है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब ये हो गया हमारा SO2, ठीक है ना। अब इसी में सपोज करिए कि इसी में SO3 अगर रहता, ठीक है, एक ऑक्सीजन अगर और रहता, तो भी सल्फर उस ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ सकता है, कैसे, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इसको भी क्या करेगा, उसको बोलेगा कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, और उस ऑक्सीजन को भी ये क्या कर देगा कि इसको अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा SO3। तब ये बॉन्ड जो है ये बेंड नहीं होगा ना, क्योंकि इसका लोन पेयर यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाकर और ऑक्सीजन, ठीक है। अब बॉन्ड इस तरीके से नहीं होगा अगर SO3 रहता है तो। तो ये आपने देखा, अब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, वैलेंसी कोऑर्डिनेट वैलेंसी कहलाएगी, और जो बॉन्ड बना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। अब आपने कहीं कहीं पर देखा होगा स्ट्रक्चर इसके, देखिए दोनों ही स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सल्फर इसको बोले कि तुम यहाँ पर शेयरिंग कर लो, है ना, मेरे से शेयरिंग कर लो, शेयरिंग इसको, और इसको भी बोल दिया इसने कि तुम भी ऐसा करो कि मेरे से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लो, ठीक है ना। शेयरिंग हो रहा है तो सल्फर का यहाँ पे क्या हो जा रहा है, चार चार आठ चार बारह, ठीक है ना, यहाँ पे इसके 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या एक अगर ये रहता है तो इसके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसा सिचुएशन भी आपने देखा होगा, स्ट्रक्चर बना हुआ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हो, ये भी सही है,
ठीक है। यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे ये कि ऑक्टेट रूल कुछ ऐसे भी होते हैं स्ट्रक्चर जिसमें कि एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, या तो ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन में वो सेटिस्फाई है या ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर के भी सेटिस्फाई है, और किस तरीके से किसी में ऑक्टेट रूल से कोई कोई एटम है ऐसा जो कि ऑक्टेट रूल से मतलब ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर के सेटिस्फाई होते हैं और कुछ नहीं हो पाते, तो जो हो पाते हैं क्यों, ऐसा क्या उनमें कारण होता है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, है ना। ऑक्टेट रूल की जब एक्सेप्शन पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीजें आएंगी। तो ऐसा भी आपने देखा होगा, है ना, कि यहाँ पे ये बॉन्डिंग ये ज्यादा ले लेगा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा फिर भी ये सेटिस्फाई है, ठीक है। फिलहाल हम ऑक्टेट रूल के अंदर ही पढ़ रहे हैं कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से अभी ये कोऑर्डिनेट वैलेंसी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया NO2। अब सबसे पहला काम वही, फर्स्ट काम हमारा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेपरेट कर लिया, नाइट्रोजन कैटमिक नंबर 7, ये 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन किया 2-5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन किया 2-6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन किया 2-6, ठीक है। सिचुएशन देखिए, सबसे पहले हमको कहाँ से शुरू करना है, अकेले वाले से, ठीक है ना। हमने किससे शुरू करना है, नाइट्रोजन से शुरू करना है, तो नाइट्रोजन का आपको बना लीजिए, ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो क्या करें, ये किस तरीके से अपनी ये वैलेंसी कंप्लीट करें, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं N2O, ठीक है। सबसे पहला काम करेंगे वही, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सेपरेट करेंगे, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का एटमिक नंबर 8, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया 2-5 और 2-6, ठीक है। शुरू कहां से करेंगे, ऑक्सीजन से, जो अकेला है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये तो दो दिख रहे हैं, यहां पे ये अकेला दिख रहा है, तो हम शुरू ऑक्सीजन से करेंगे। ये हमने ऑक्सीजन को बना लिया, ठीक है। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन को चाहिए कितना, इसको चाहिए कितना, केवल इसको चाहिए, एक मिनट, यहां पर सिचुएशन थोड़ा सा अलग होगा, हम यहां पे ऑक्सीजन से ना शुरू करके नाइट्रोजन से शुरू करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए, इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, और इसको भी कितने चाहिए, 3, ठीक है ना। दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से ये आपस में पहले 3-3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन से शुरू करेंगे तो ये बन नहीं पाएगा, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ये, है ना, कि यहाँ पे नाइट्रोजन को पहले शेयरिंग करवाएंगे। अब देखिए, हमारा ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ लगा दिया और 3 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ लगा दिया, ठीक है। इस नाइट्रोजन को इसने बुलाया कि भाई तुम भी आ जाओ, तो ये नाइट्रोजन भी आ गया, इसने भी क्या किया, अपना 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में लगा दिया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ रख लिए, ठीक है। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, है ना, नाइट्रोजन 6 और 2 8, इस नाइट्रोजन का भी 6 और 2 8, ठीक है। लेकिन अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, ये एक ऑक्सीजन पहुंचता है नाइट्रोजन के पास, कहता है कि नाइट्रोजन भाई हमको भी तो अपने साथ ले लो, है ना। तो ये कहता है कि आ जा, तू भी आ जा, तो इस ऑक्सीजन को इसने बुला लिया, नाइट्रोजन चाहिए चाहिए किसी के साथ भी। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन, ठीक है, इसको इसने क्या बोला नाइट्रोजन ने कि तुम हमारे साथ जुड़ोगे तो सही, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स तुमको अपने पास ही रखने पड़ेंगे, शेयरिंग अलग तरीके की होगी। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन अपना अपने पास रखेगा और शेयरिंग हो गई, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके ये यूज करेगा, ठीक है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी इस्तेमाल करेगा, ये भी इस्तेमाल करेगा, बाकी ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्सीजन का, और इसका 3 3 6 और 8, ठीक है ना, इसका भी कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट, ठीक है ना। तो ऑक्टेट रूल के अंदर आ रहा है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर में कैसे दिखाएंगे, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग हुआ है, इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया है, ठीक है। तो ये हमारा एरो लगेगा यहाँ पे, क्योंकि बॉन्ड कौन सा बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, क्लियर। ये बना हमारा N2O, ये इसमें ये यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स कौन सा बना है, यहाँ पे ये बॉन्ड कौन सा आया हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। ये वैलेंसी कौन सी कहलाएगी, कोऑर्डिनेट वैलेंसी, क्लियर। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, ये हमारा एग्जांपल है H2SO4, ठीक है। इसमें सबसे पहले सबको सेपरेट करिए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक सल्फर, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन का एटमिक नंबर 1 1 16 8 8 8 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 1 2
2, 8, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, ठीक है, बहुत सारे इसमें एटम है। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, शुरू कहाँ से करेंगे, जो अकेला है, ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं सल्फर से, ठीक है। ये देखिए सल्फर, सबसे पहले सल्फर क्या करता है कि इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितना, 2 चाहिए इसको। तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर से एक इधर से, क्योंकि बहुत सारे हैं तो इसको पता है कि भाई सबके साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी, है ना, मतलब तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक के साथ शेयरिंग करने के बजाय 2 के साथ शेयरिंग करें। तो ये इसने शेयरिंग में अपने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, बचे कितने इसके पास, 4 को इसने अपने पास रख लिया, ठीक है। अब इसने इस ऑक्सीजन को बुलाया कि ऑक्सीजन तुम आ जाओ मेरे साथ शेयरिंग करने के लिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग किया इसके साथ, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ लगाया था तो इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लिया। इसको अभी एक की जरूरत और है तो इस वजह से अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए इसने यहाँ लगा दिया, 2 इसके यूज हो गए, ठीक है ना। तो अब इसके पास बचे कितने, 4 को इसने अपने पास रख लिया, ठीक है। इस सल्फर ने भी इधर से भी सेम वही काम हुआ, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन आया, 1 इलेक्ट्रॉन से इसने यहाँ पर शेयरिंग की, 1 इधर शेयरिंग के लिए लगा दिया और 4 इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास रख लिए, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को बुलाया कि हाइड्रोजन आ जाओ, तुमको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो तुम आ जाओ इधर, ये आ गया, ठीक है। इसने कहा कि तुम 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लो, इस हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यहाँ लगा दिया। इधर से भी हाइड्रोजन को इसने बुलाया, कहा कि तुम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शेयरिंग में लगाओ, ये शेयरिंग में लगा दिया इसने, ठीक है ना। आप देखिए सब सेटिस्फाई हो गए ना, ऑक्सीजन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कंप्लीट, ऑक्सीजन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कंप्लीट, इधर भी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 डन, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 2, ठीक है ना। ये सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, ठीक है। लेकिन 2 ऑक्सीजन ये बच गए, ये बेचारे 2 बचे हुए हैं। अब ये दोनों पहुंचेंगे किसके पास, ऑक्सीजन के पास नहीं पहुंचेंगे, चाहते तो ऑक्सीजन से भी जुड़ जाते, नहीं जुड़ेंगे, क्यों आगे देखेंगे। अब ये दोनों पहुंचेंगे किसके पास, सल्फर के पास, है ना, सेंटर वाले के पास, इसके पास गए और यहां जाकर के ये इनके साथ बोलते हैं कि हमको भी आपस में जोड़ लो, ठीक है ना। सल्फर अपना ऑक्टेट बिगाड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी हम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग में चल रहे हैं, ठीक है ना, ऑक्टेट रूल में ही चल रहे हैं। तो सल्फर अपना ऑक्टेट ये बिगाड़ेगा नहीं, ये इस ऑक्सीजन को कहेगा कि ऐसा करो कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन्स 6 अपने पास रखो, 2 मेरे इलेक्ट्रॉन्स का यूज करो, ठीक है ना। ये भी इधर से भी दूसरा वाला ऑक्सीजन को बुलाएगा, इसको बोलेगा कि तुम ऐसा करो कि अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो और मेरे इलेक्ट्रॉन का यूज करो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है ना। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसका भी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट, और यहाँ कौन सा बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसको अगर आप बॉन्ड स्ट्रक्चर में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ये सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इधर भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये हमारा मॉलिक्यूल्स बन गया H2SO4 का, क्लियर, समझ आ गया। ये कौन से बॉन्ड बने हमारे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में टेल जो होता है वो डोनर के पास और हेड जो होता है वो एक्सेप्टर की तरफ रहता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रही हूं कोऑर्डिनेट वैलेंसी के कुछ एग्जांपल दे रही हूं आपको, जो आपको प्रैक्टिस करना है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है, CO(N2O3), N2O5, HNO3 और S3PO2, ठीक है ना। एटमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, जैसे कार्बन है इसका एटमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटमिक नंबर 8, नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन 1, फॉस्फोरस 15, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेट वैलेंसी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग में बोलती तो गुड मॉर्निंग हूँ, लेकिन एक्चुअल में गुड मॉर्निंग नहीं होता। ये क्या है कि मेरा स्कूल है और उसमें काफ़ी टाइम, मतलब सुबह से हम सुबह उठते हैं ना, तब से बहुत ज़्यादा मतलब बिजी चलते हैं, तो सुबह उठ करके ही भागम दौड़ी में लग जाते हैं और फटाफट मतलब सारा काम करना, जल्दी से स्कूल पहुंचना, और फिर स्कूल भी चूंकि मेरा अपना खुद का स्कूल है तो इस वजह से स्कूल को भी बहुत ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। एक एक बच्चा जब तक अपने घर नहीं पहुंच जाता तब तक मुझे स्कूल में ही रुकना होता है, तो स्कूल से फ्री होकर के मुझे वापस घर आने में ना तकरीबन 4 बज जाते हैं, शाम के 4 बज जाते हैं। उसके बाद फिर बेटा है मेरा, उसको भी स्टडी कराना होता है, तो पूरा दिन का रूटीन, और फिर कुछ ऑफिस वर्क होता है वो शाम को करती हूँ,
फिर टाइम जो है इस तरीके से निकल जाता है ना कि वीडियो बनाने का ये टाइम नहीं मिलता है ये पढ़ाने का। और काफ़ी समय से चूंकि मैं ये केमिस्ट्री पढ़ाते आ रही हूँ ना, तो इससे मेरा मतलब इसको छोड़ने की भी इच्छा नहीं होती है। ऐसा होता है कि नहीं, थोड़ा सा पढ़ा लिया ना तो नींद अच्छी आएगी। तो मैं रात को नाइट में मुझे जब टाइम मिलता है ना तो नाइट में मैं ये वीडियो बनाती हूँ। इस टाइम जैसे ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो तकरीबन अभी ये टाइम हो रहा है 11:30 रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। तो मैं रात में ही ये वीडियो बनाती हूँ, लेकिन चूंकि मैं मिलती आपसे मतलब आज मिल रही हूँ आपसे, तो इस वजह से अमेरिकन लैंग्वेज में मैं इसको आपको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। तो ये रात का वीडियो, इस वजह से आपको डॉग्स के बार्किंग की भी आवाज़ आ रही है क्योंकि काफ़ी रात हो गया ना इस वजह से। तो चलिए स्टडी करते रहिए, फिर कल मिलते हैं। आगे मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन। अब ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन होने के बाद, या नहीं एक्सेप्शन अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले इन तीनों बॉन्ड जो हमारा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट है, इन तीनों के बॉन्ड और इनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, इनके कुछ कैरेक्टर्स, कुछ इनके फिजिकल कैरेक्टर्स को लेकर के कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद फिर मैं ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन आपको बताऊंगी। तो स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू।